कर दोस्तों, तो आज फिर आप लोगों का स्वागत है हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आज फिर एक नए वैकेंसी के साथ आए हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए हम लोग आज उसी डायरेक्ट वैकेंसी को देखेंगे। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ही वजह से हम लोग ये वीडियो बना पाते हैं। तो आपके सपोर्ट रहना चाहिए मेरे साथ, तो मैं हर एडवर्टाइजमेंट को देता रहूँगा आपके सामने। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट वैकेंसी को, क्या है वैकेंसी। ठीक है, तो ये देखिए IOCL में आया हुआ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आया हुआ है। किस में? चेन्नई के लिए, मतलब पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के लिए आया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप अंडर एक्ट 1961। ये है आपका अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो ये देख सकते हैं नॉन टेक्निकल, टेक्निकल दोनों के लिए है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया एंड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी एज ए मेजर ऑफ स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर द नेशन प्रपोजेज टू इंगेज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस एट इट्स लोकेशन इन स्टेट ऑफ साउथ इंडियन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दैट मीन्स साउथ रीजन के लिए है। तो ये देख सकते हैं कौन कौन सा भर सकते हैं, ये सारा चीज़ डिटेल दिए हुआ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए डिसिप्लिन जो दिए हुआ है, फिटर के लिए वन है, डिसिप्लिन कोड सब ये सब दिए हुआ है। तो आप लोग देखते हैं ये कोड सबको। उसके बाद इसमें पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप 12 मंथ रहेगा। टोटल 50 वैकेंसीज है इसमें, इस कैटेगरी वाइज भी दी गई है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 12 मंथ के लिए है। 50 पोस्ट है टोटल, और सबके लिए 50-50 पोस्ट है। तो आप लोग फिलअप कर लीजिएगा इसमें, जो भी ITI वाले स्टूडेंट होंगे इंटरेस्टेड है। उसके बाद कर्नाटका के लिए देख लीजिए, कर्नाटका का भी है, फीटर के लिए, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, ये भी 12 मंथ के लिए 21 इसमें टोटल वैकेंसी है। केरला में भी आपका 12 मंथ के लिए सेम वैकेंसी है, और 16 टोटल पोस्ट है इसके लिए आपको केरला के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ 12 मंथ के लिए ये भी सेम ब्रांच का 30 पोस्ट है। तो आप लोग सारे डिटेल पोस्ट को देखते रहेंगे, क्योंकि लेंदी हम देना नहीं चाहते हैं, और आपको ये PDF हम आपको नोटिफिकेशन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना के लिए भी 12 मंथ के लिए रखा जाएगा, 30 पोस्ट है सबके लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए 30 पोस्ट सब में है। मतलब फीटर के लिए 30 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन के लिए 30 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 30 पोस्ट, ये सारे के लिए 30 पोस्ट है। तो आप लोग भर लेंगे ITI वाले जितने भी है। उसके बाद तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए भी सेम 15 टोटल पोस्ट है। उसके बाद 12 मंथ के लिए रखा जाएगा इसके लिए मैकेनिकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, और इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल इलेक्ट्रिकल, ये सारा जितने भी ब्रांच दिए हुए हैं। कर्नाटक के लिए देखिए 10 पोस्ट है 12 मंथ के लिए। केरला के लिए भी 12 मंथ के लिए 8 पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी है 9 पोस्ट है 12 मंथ के लिए। तेलंगाना के लिए 12 पोस्ट, 12 मंथ के लिए 8 पोस्ट, ये सारा एक ही चीज़ में दिए हुआ है। उसके बाद 56 कोड में देखेंगे तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के लिए भी देखिए अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। तो 12 पोस्ट, 12 मंथ के लिए 99 पोस्ट है, 99 पोस्ट है। कर्नाटका के लिए 57 कोड है, और अकाउंटेंट के लिए 12 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद केरला के लिए भी 12 मंथ के लिए 54 पिछले वाले में था कर्नाटका के लिए, और 30 पोस्ट जो है केरला के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए 16 पोस्ट है, तेलंगाना के लिए 12 पोस्ट है, अकाउंटेंट के लिए ये सब था, तो देख लीजिएगा। उसके बाद तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए जो भी डाटा एंट्री के लिए है, फ्रेशर के लिए, वो सारा स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कर सकते हैं इसको अप्लाई। 10 है इसमें पोस्ट, और इसमें 5 पोस्ट है। उसके बाद कर्नाटका के लिए है डाटा एंट्री ऑपरेटर का 15 मंथ का ये है, ये मंथ है, और ये पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है। देखिए 10 पोस्ट है, ये 5 पोस्ट है, ये 4 पोस्ट है, ये 3 पोस्ट है, तो ये सारे पोस्ट है। उसके बाद नीचे चलते हैं, देखते हैं केरला के लिए 65 कोड नंबर में आपको 15 मंथ के लिए रखेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, 3 पोस्ट है टोटल। उसके बाद 66 कोड में भी डाटा एंट्री के लिए ही रखेगा ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए है, और 15 मंथ के लिए रखेंगे, 2 पोस्ट रहेगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब सारा डाटा एंट्री के लिए है। और देखिए अब देखिए रिटेल सेल्समैन एसोसिएट के लिए भी है। उसके बाद तमिलनाडु में कितने पोस्ट है, तो इसके लिए 10 पोस्ट है, और इसके लिए 5 पोस्ट है।
तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए। कर्नाटका के लिए देखिए 4 पोस्ट है 2 पोस्ट है। उसके बाद 14 मंथ रखेगी ये कंपनी पाइल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो उसके बाद केरला के लिए भी 14 मंथ के लिए है, 3 पोस्ट 2 पोस्ट। आंध्र प्रदेश के लिए 14 मंथ के लिए रखेगी, 3 पोस्ट और 2 पोस्ट है। तेलंगाना के लिए 79 कोड 80 कोड, ये दोनों है, रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए है। और ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी 14 ये मंथ के लिए रखेगी, 3 और 2 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है 480 पोस्ट है। तो आप लोग सारे लोग इसमें फिलअप कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट मेरे आईटीआई वाले भाई हैं और जो भी मेरे दोस्त हैं, सारे लोग आप लोग इसमें भर लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर बाद में नहीं मिल पाएगी IOCL की तरफ से। मिलती रहती है बट टाइम का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हुआ था, इसीलिए आप लोग इसको भर लेंगे। देखिए आगे देखते हैं, रिजर्वेशन भी दिया गया है PWD के लिए। उसके बाद बेंच मार्क, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो कर सकते हैं, इसमें आपको ये बेनिफिशियरी मिलेगा। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द डिटेल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, हाँ वो तो देना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए कौन सा कैटेगरी के लिए क्या है, तो देख सकते हैं, हाँ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, हाँ यहाँ देखिए किस कोड के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है। मैट्रिक विद 2 ईयर्स ITI फीटर कोर्सेज होना चाहिए, डिसिप्लिन कोड 1, 6, 11, 16, 21, ये सब कोड था, हम जो कोड जो बता रहे थे, देखिए ऊपर में हम कोड दिखा देते हैं आपको, ये सारे कोड है, ये सारे जितने भी थे ये सारे कोड है, यही कोड आपको दिया गया है नीचे में, तो उस कोड के हिसाब से आपको भरना है। यहीं पर कोड ये दिया गया है, तो ये डिसिप्लिन कोड सब दिए हुआ है, 2 नंबर 7 नंबर 12 नंबर। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन के लिए मैट्रिक विथ 2 ईयर्स ITI इलेक्ट्रीशियन कोर्स होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट के लिए है मैट्रिक विथ 2 ईयर्स ITI इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, मैट्रिक विथ 2 ईयर्स, 2 ईयर का होना चाहिए मैट्रिक और 2 ईयर का ITI होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में। मैट्रिक विथ 2 ईयर ITI मशीनिस्ट कोर्स का होना चाहिए, मैकेनिकल का 3 ईयर डिप्लोमा किसके लिए, डिसिप्लिन कोड 26, 26, 32, 38, 44, 50, ये सारे जो है मैकेनिकल इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर के, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है। उसके बाद PWD का भी रिजर्व है, तो ये सारा डिटेल था, ये भी डिप्लोमा नीचे वाले भी टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, जो भी टेक्नीशियन वाला है वो सारे डिप्लोमा के लिए है, तो इसमें भर लीजिएगा जो भी जिस ब्रांच के हैं, इस कोड को देख करके फिलअप कर लीजिएगा सही से। अगर आप लोग कहेंगे तो हम फिलअप करके भी दिखा देंगे और उसका हम वीडियो भी बना देंगे सेपरेट। और इसके देखिए डाटा ऑपरेटर के लिए 12 मंथ पास आउट होना चाहिए, मिनिमम 12 पास आउट होना चाहिए कम से कम, बट बिलो ग्रेजुएट, ग्रेजुएट से कम होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, मिनिमम 12 पास होना चाहिए। उसके बाद रिटेल सेल्स के लिए मिनिमम 12 पास होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए 12 पास मांग रहा है, बट आपको देखना है। ये फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, इसमें जो भी फुल टाइम कोर्स किया है वही भरेंगे और देख लेंगे सारे से, डिप्लोमा ITI 12 सब के लिए वैकेंसी निकली हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आप लोग जा करके यहाँ भर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द इंडस्ट्री एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, जो पहले से कर चुके हैं और उसको जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ मोर नॉट एलिजिबल, मतलब कि उसको नहीं मिलेगा, उसको फिर दोबारा नहीं कर सकते हैं। हु हैव कम्प्लीटेड 3 ईयर्स आफ्टर एक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इज रिलेवेंट यू शैल नॉट बी एलिजिबल, मतलब जो पहले से ही डिप्लोमा कर चुके हैं और उसका 3 साल कंप्लीट होने के बाद किसी अलग से किसी जगह अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब क्लियरली कह दिया हुआ है कि जो भी पहले से आप लोग अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो फिर से अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, बस डिक्लेयर यही कर रहा है। और आपके पास सारा डिटेल होना चाहिए, सारा अप्लाई ऑनलाइन फेलिंग विच दियर कैंडिडेटर विल नॉट बी कंसिडर, और इसमें सारा चीज़ तो देख लिए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। कैंडिडेट्स विथ क्वालिफिकेशन रिक्वायरिंग थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग मोड और पार्ट टाइम मोड ऑफ कॉरेस्पॉन्ड सेल मोड नॉट बी कंसिडर, जो भी पार्ट टाइम से किए हुए या डिस्टेंस से किए हुए पढ़ाई वो सब नहीं कर सकते हैं। इसमें जो BE वाले हैं, MBA, MCA ये सब लोग नहीं भर सकते हैं इसके में, और ये मिनिमम 18 से 24 साल उम्र होना चाहिए, 36 और 2021 तक। रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है, सबके अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप जो है एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन कोड्स, तो जो जो कोर्स के थ्रू दिया गया है उसका उसी बेस्ड पे सिलेक्शन किया जाएगा,
उसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, तो सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस, हाँ मार्क के बेसिस पर ही सबका सिलेक्शन किया जाएगा और रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। नोटिफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा के लिए टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद कंडक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाँ जो भी रिटन एग्जाम लिया जाएगा उसका वो MCQ क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शनल रहेगा। तो इसमें देख लीजिए किसके किसके लिए क्या रहेगा, टेक्नीशियन एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटीज, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब होना चाहिए। उसका ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटीज, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, ये रहेगा अकाउंटेंट के लिए टेस्ट में। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी सेम ही है, बट इसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इंग्लिश एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज अवेयरनेस रहेगा। रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटीज, बेसिक इंग्लिश, बस इतना ही इसके लिए रहेगा। और जो भी रिटेन होगा 40% रिलैक्सेबल बाय 5% फॉर द SC ST PW, उसमें 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, SC ST और PWD के कैंडिडेट्स को, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका, उसका मेडिकल फॉर्मेट भी मांग रहा है तो उसको हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में वो सब देखेंगे, पहले ये सब देख लेते हैं। हाँ, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड ऑल फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और बिफोर 28th अगस्त 5 PM। ये लास्ट डेट जो है 28th अगस्त को है, 5 PM तक ही है। तो आप लोग जितने भी लोग एलिजिबल है वो लोग फिलअप कर ले डिप्लोमा और ITI वाले अप्रेंटिसशिप के लिए। और आगे देखते हैं, ये सारा वेबसाइट दिए गया है, इस वेबसाइट पे जा करके आप लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप खोल जाएगा और उसमें जो भी चीज़ मांगता है उसके थ्रू आप लोग फिलअप करके और इसमें भाग ले सकते हैं। लास्ट डेट है 28th अगस्त 2021 है। और ये सारा चीज़ देख लीजिएगा, पूरी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो यही प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादा अगर टाइम देने लगेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और ये सब सारा समस्या आते रहता है। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे देखने के बाद एक मिनट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द कैंडिडेटर ऑफ द एप्लीकेंट वुड बी प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल इन केस ऑफ इट इज डिटेक्टेड एनी स्टेज ऑफ एंगेजमेंट और देयर फॉर, मतलब किसी तरह का इसमें गलत पाया गया तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसी समय, ठीक है। उसके बाद आप सारी चीज़ को केयरफुल्ली पढ़िएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर बताने लगूंगा तो टाइम बहुत, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही इसको पूरे अच्छे से पढ़िए। जितना हो सकता है मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। और आपके पास मेल ID, ये सारा चीज़ होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, सारा चीज़ स्कैन होना चाहिए, यही सब सारा डिटेल इसमें दिए हुआ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, कैसे अप्लाई करना ये भी हम तो बता ही दिए हैं, कब से शुरू है, 13 अगस्त से, मतलब आज ही से शुरू हुआ है, 28 अगस्त तक ये रहेगी, लास्ट डेट 28 अगस्त है और स्टार्टिंग डेट आज ही है, मतलब 13 अगस्त को ही शुरू हो रहा है। तो मतलब मैंने, मुझे आते ही एडवर्टाइज मिलते ही मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है और आप लोग इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितने भी फ्रेंड्स हैं उस वो भी कहिएगा लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी इसको इन्फॉर्मेशन इसी तरह से मिलता रहे। तो ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट डेट्स टू नोट, डेट ऑफ ओपनिंग जो है 13 अगस्त को है और लास्ट डेट जो है 28th अगस्त तक है। उसके बाद संडे को कब है, 19 सितंबर को संडे को रिटन एग्जाम लिया जाएगा। डिटेल डेट वेन्यू आपको एडमिट कार्ड आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उस पर अपलोड करके आप लोग जा सकते हैं उस जगह पे। और नोट दैट एनी चेंज ऑफ इन द डेट रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द सिटी विल बी इंसिमेटेड थ्रू द IOCL वेबसाइट। आपको अगर किसी तरह का इंफॉर्मेशन में चेंज आती है तो आपको IOCL वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, ठीक है, डिटेल सब। और ये सारा चीज़ डिटेल मांगा गया है, तो बस इतना ही था। ये सारे IOCL का एडवर्टाइजमेंट था, IOCL में अप्रेंटिसशिप के लिए था। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बस इतना ही था आज के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।